बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं धनिया के औषधीय गुणों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, धनिया को लेकर क्या है आज की संजीवनी? देखिए, धनिया पाचन के लिए बहुत बढ़िया है, और अगर आपका पाचन खराब है तो उसके लिए आप धनिया, जीरा, सौंठ या पुदीना भी थोड़ा मिला करके चार चीजें मिलाइए, उसका एक चूर्ण बना लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। हमारे सब्जियों में तो प्रयोग करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि यूरिन में जलन होती है, किसी प्रकार का आपको तकलीफ होती है, उसके लिए बहुत बढ़िया, एक चम्मच धनिया एक गिलास पानी में रात को भिगो करके रख दीजिए, सुबह उसको छान करके आप पी लीजिए, बहुत फायदा होगा। ताज़ा धनिया, हमने किडनी का जिक्र किया, ताज़ा धनिया कम से कम जो है 20 मिलीलीटर आधा कप पानी में घोल करके, ताज़ा धनिया का जूस 20 मिलीलीटर आधा कप पानी में घोल करके आप पिए तो किडनी के लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय थोड़ा पेन होता है, दर्द होता है, तो एक चम्मच धनिया एक कप पानी में उबाल करके अच्छी तरह से और उसको छान करके पिए, बहुत फायदा करता है। अगर आपको कोल्ड कफ, खांसी, जुकाम वगैरह है तो धनिया का एक चम्मच और अदरक एक चम्मच मिला करके एक कप पानी में उबाल करके छान करके उसको शहद मिला करके पिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो काफ़ी इसके फंक्शन से ताज़ा धनिया का रस निकाल के आप अपने एक्ने पिंपल्स पर भी अगर मसाज करेंगे उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी के। थैंक यू। और आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे।